साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुडियों के बुरे दिन खत्म नहीं हो रहे हैं। एक के बाद एक नए नए मामलों में नए नए नाम फंसते जा रहे हैं और अब की बार बारी जैकलीन फर्नांडीज की थी। सभी की तरह जैकलीन को भी लग रहा था कि वो बच जाएगी, चुपचाप विदेश फरार हो जाएगी और फिर कभी भी भारत लौटकर वापस नहीं आएगी। मगर 5 दिसंबर की शाम मुंबई एयरपोर्ट पर जो हुआ उससे जबरदस्त हंगामा हो गया। जैकलीन फर्नांडीज को एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। जैकलीन को विदेश भागने से रोक दिया गया। अब इसकी अंदर की खबरें भी आ गई हैं क्योंकि एयरपोर्ट पर जैकी की हालत हो गई थी बेहद खराब और जैकलीन लाउंज में रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, पैर पकड़ लिए, जिसके बाद अब गिरफ्तारी की तैयारी की बात कही जा रही है। तो क्या क्या हुआ जैकलीन के साथ एयरपोर्ट में, पूरी कहानी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि जैकलीन फर्नांडीज पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट जरूर करें। तो जैकलीन फर्नांडीज कई दिनों से ईडी के रडार पर है। जैकलीन उस सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्ते में भी बताई जा रही है जो कि ठगों का भी महाठग है और इसी मामले में जैकलीन भी ईडी के निशाने पर थी। यहां तक कि जैकलीन के बारे में तो खबरें यहां तक थी कि जैकलीन सुकेश की गर्लफ्रेंड थी और सुकेश ने लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के गिफ्ट जैकलीन को दिए थे और जैकलीन ने भी बड़ी ही चालाकी बरतने की कोशिश की। जब तक सुकेश चंद्रशेखर के साथ सब ठीक था उससे गिफ्ट लिए पैसों की बरसात भी करवाई और सुकेश चंद्रशेखर जेल चला गया, बुरी तरह से फंस गया तो सुकेश से किनारा कर लिया। यहां तक कि ये भी कह दिया कि सुकेश ने उसके यानी कि जैकलीन के साथ भी धोखाधड़ी की। लेकिन जांच एजेंसियों को तो सब कुछ पता लग चुका था और खुद सुकेश ने भी पूछताछ में जैकलीन का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। अब जब जैकलीन को लगने लगा कि मामला बुरी तरह से फंस चुका है और अब उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है तो जैकलीन ने सलमान खान की मदद ली। जी हां, सलमान खान के द बैंग टूर के जरिए विदेश भागने की कोशिश की। सऊदी के रियाद में सलमान खान का ये टूर इस बार होने वाला है और इसके लिए जैकलीन फर्नांडीज को भी वहां पर जाना था। जैकलीन ने सलमान से सिफारिश लगवा कर खास तौर पर अपना नाम इस टूर में डलवाया था ताकि इसी के सहारे हमेशा हमेशा के लिए भारत को छोड़ दिया जाए और जैकलीन ने फरारी का पूरा प्लान भी बना लिया था और इसी प्लान के तहत 5 दिसंबर की शाम को जैकलीन फर्नांडीज विदेश जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची। मगर तब तक तो ईडी को भी भनक लग चुकी थी कि जैकलीन हमेशा के लिए देश छोड़ देगी तो ईडी ने जैकलीन के लिए तुरंत ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। आज यहां जैकलीन के लिए नोटिस जैसे ही जारी पर हुआ तो मुंबई एयरपोर्ट पर उसे धर दबोचा गया। अब एयरपोर्ट पर क्या हुआ, कैसे हंगामा हुआ, सिलसिलेवार तरीके से वो भी देखिए और समझिए। सूत्रों के मुताबिक जैकलीन मुंबई एयरपोर्ट पहुंची और वहां जैकी ने अपने टिकट और पासपोर्ट के साथ एंट्री की और चेक इन काउंटर पर फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद लाउंज में चली गई। जैकलीन फर्नांडीज एयरपोर्ट के लाउंज में बैठकर फ्लाइट के वक्त का इंतजार करने लगी लेकिन तभी अचानक लाउंज में हलचल हुई। लाउंज में एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स आए और जैकलीन से उनका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मांगा गया। सूत्रों के मुताबिक लाउंज में ही जैकलीन से कागजात मांगे गए, उनकी चेकिंग होने लगी। अब जैकलीन तो समझ चुकी थी कि मामला बिगड़ चुका है क्योंकि उसे पता था कि वो गलत तरीके से गलत वक्त में विदेश जा रही है और उस पर एजेंसियों की नजर है। अब वहां पहुंचे ऑफिशियल्स कुछ कहते जैकलीन को बाहर चढ़ने के लिए कहा जाता, उनसे आगे कुछ करने के लिए कहा जाता, उससे पहले ही जैकलीन फर्नांडीज ने रोना शुरू कर दिया। जी हां, सूत्रों के मुताबिक जैकलीन फर्नांडीज वहीं पर लाउंज के अंदर ही रोने लगी। अब वहां पर लाउंज में कई सारे लोग मौजूद थे, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे सोफे पर बैठकर तो कुछ लोग खाना भी खा रहे थे, मगर हंगामा देखकर सभी लोग चौंक गए। अब सूत्रों के मुताबिक तब तक जैकलीन फर्नांडीज नीचे जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगी और ये कहने लगी कि उसने कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ एक टूर के लिए विदेश जाना चाहती है और इस टूर के लिए उसका कमिटमेंट है, बस इस टूर के लिए उसे जाने दिया जाए क्योंकि ये टूर सलमान खान का है और उसके लिए यानी कि जैकलीन के लिए बेहद जरूरी है। अब जैकलीन ने मुंबई एयरपोर्ट पर सलमान खान का नाम लिया और पूरी कोशिश की, पैरों पर गिर गई, रोने लगी, तमाशा करने लगी। एयरपोर्ट के लाउंज में भारी हंगामा हो गया
ऑफिशियल्स ने तुरंत ही जैकलीन को अपने साथ चलने को कहा और जैकलीन को डिटेन कर लिया गया। जी हाँ, जैकलीन फर्नांडीज को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। अब तो हंगामा बढ़ चुका था। सीआईएसएफ के ऑफिस में जैकलीन फर्नांडीज को बैठाया गया। जैकलीन वहां भी रोती रही और बार बार यही कहती रही कि वो कहीं भी फरार नहीं होने जा रही है। वो सिर्फ द बैंग टूर के लिए, सलमान खान के टूर के लिए जाना चाहती है, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसके फिल्मी करियर के लिए, और टूर के बाद वो वापस आ जाएगी। मगर ऑफिशियल्स ने जैकलीन फर्नांडीज की एक नहीं सुनी और जैकी को करीब सवा से डेढ़ घंटा तक सीएसएफ ऑफिस में बैठाया गया और उसके बाद घर छोड़ दिया गया। इसके लिए खुद पूरी टीम आई, जैकलीन को उसके घर तक छोड़ा गया और साफ साफ हिदायत दी गई कि देश को छोड़ने की कोशिश दोबारा मत करना, नहीं तो सीधे गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तार होने के बाद जैकलीन का बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब रोते रोते जैकलीन फर्नांडीज रात को अपने घर पहुंची और जल्दी जैकलीन को दिल्ली से भी बुलावा आ गया। जैकलीन फर्नांडीज को अब दिल्ली जाकर ईडी के सामने अपना पक्ष रखना है और पहले भी ईडी के सामने जैकलीन अपनी बात कह चुकी है, अपनी बात रख चुकी है, और अगर इस बार ईडी नहीं माना तो जैकलीन फर्नांडीज पर केस भी दर्ज हो सकता है। यानी कि जैकलीन की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ने वाली हैं। और इस बार तो हालात ये रहे कि सलमान खान भी जैकलीन को बचा नहीं पाए। जैकलीन को पूरा भरोसा था कि सलमान के सहारे, सलमान के नाम के टूर के सहारे वो विदेश चली जाएगी और फिर शायद कभी वापस भारत नहीं आएगी, क्योंकि जिस महाघोटाले में जैकलीन फर्नांडीज फंसी है वो 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 200 करोड़ हो सकता है कि 500 करोड़ से भी बड़ा क्या हो, और इसीलिए अब जैकलीन का बचना लगभग नामुमकिन है। तो वैसे में देखना है कि जैकलीन फर्नांडीज पर अगली कार्रवाई क्या होती है और क्या जैकलीन फर्नांडीज गिरफ्तार होती है, एक्शन बड़ा होता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या जैकलीन को गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सलमान खान की फिल्में तो एक के बाद एक फ्लॉप हो ही रही हैं और सलमान का टीवी शो बिग बॉस भी लगातार सीजन दर सीजन फेल ही साबित हो रहा है। बिग बॉस 15 में एक के बाद एक पुराने बिग बॉसियन को बुलाया गया, कभी देवोलीना, कभी राखी सावंत, तो कभी कोई और, लेकिन बिग बॉस की टीआरपी बढ़ने के बजाय गिरती जा रही है। और ऊपर से हाल ही में तेजस्वी प्रकाश ने प्रतीक सहजपाल पर जो आरोप लगाए, गलत तरीके से छूने को लेकर जो कहा, उसने तो पूरी तरह से बिग बॉस की पोल खोलकर रख दी और हर जगह बिग बॉस को, तेजस्वी प्रकाश को ट्रोल किया गया। अब पूरा मामला क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर पहले ये समझिए कि गौतम गुलाटी ने कैसे सलमान को धो धो कर निचोड़ दिया। गौतम गुलाटी ने इस पूरे मामले को लेकर, बिग बॉस को लेकर, सलमान खान को लेकर तीखा हमला किया। गौतम गुलाटी ने पहली बार सलमान और बिग बॉस को लेकर इतनी बड़ी बात कही। गौतम गुलाटी ने कहा कि हम सबको दिख रहा है कि हो क्या रहा है। गौतम ने कहा कि दिक्कत खिलाड़ियों में नहीं है बल्कि दिक्कत सलमान खान उनके शो बिग बॉस में है, क्योंकि वहां पर फेवरिज्म हो रहा है। गौतम गुलाटी ने आगे कहा कि एक सिंपल सा रूल है कि जो गलती करे उसे बाहर करो, उसे गेम से हटा दो, लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सलमान खान की इच्छा कुछ और होती है और सलमान की इच्छा के बगैर बिग बॉस में कुछ भी नहीं होता। गौतम गुलाटी ने आगे कहा कि सलमान खान जिसको पसंद करते हैं उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होता, और जिसे सलमान पसंद नहीं करते उसे हर बात पर परेशान किया जाता है और हर बार उन्हें ही गलत साबित भी किया जाता है। और बिग बॉस में एक बार फिर से साफ गेम बिल्कुल भी नहीं खेला जा रहा है, हर तरीके से पक्षपात हो रहा है, फेवरिज्म हो रहा है, खिलाड़ियों को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, वो भी जबरदस्ती। गौतम ने आगे कहा कि सब कुछ पब्लिक को दिख रहा है और लोगों के समझ में भी आ रहा है कि सलमान खान किस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से शो को चला रहे हैं, और शो के फ्लॉप होने का, बिग बॉस के फेल होने का सबसे बड़ी वजह खुद बिग बॉस है और खुद सलमान खान है। अब वैसे भी सलमान खान पर हमेशा ही पक्षपात करने के आरोप लगते रहे और इस बार भी सलमान पर शमिता शेट्टी का पक्ष लेने का आरोप लगा था। इससे पहले भी कहा जाता रहा है कि बिग बॉस का विनर वही बनता है जो अच्छा गेम नहीं खेलता बल्कि जो सलमान खान को पसंद आता है, और इस बार तो बिग बॉस के पूर्व विनर गौतम गुलाटी ने ही सलमान खान की बिग बॉस की पूरी पोल खोल दी और बता दिया कि बिग बॉस में आखिर हो क्या रहा है और कैसे सलमान खान वहां पर मनमर्जी चलाते हैं, और इसीलिए शो के फ्लॉप होने के लिए प्लेयर्स दोषी नहीं है बल्कि सलमान और बिग बॉस दोषी हैं। अब असल में यहाँ पर बिग बॉस के अंदर कई खिलाड़ी गलती दर गलती किए जा रहे हैं लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन कुछ खिलाड़ी जो हैं जो सामान्य गलती भी करते हैं तो उन्हें सलमान खान की तरफ से सुनाया जाता है, उन्हें गलत ठहराया जाता है, सलमान खान उन्हें बुरी तरह से सबके सामने डांटते हैं, और यही बात गौतम गुलाटी को चुभ गई। गौतम गुलाटी ने इसी के बाद सलमान खान का भंडा फोड़ कर दिया और सलमान का पूरा सच सबके सामने ला दिया। तो कुल मिलाकर सलमान खान की पोल पट्टी यहाँ पर गौतम गुलाटी ने सबके सामने खोल दी, सलमान खान को आईना भी दिखा दिया। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।